राजधानी रांची के बुढ़मू और ठाकुर गांव सीमा के लुकैया गांव में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग भी हुई। वहीं एक उग्रवादी के गोली लगने की भी सूचना मिली है। हालांकि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली फरार हो गए। टीम में झारखंड जगुआर, एसएसपी की स्पेशल दस्ता, बुढ़मू ठाकुर गांव और पिठोरिया थाने की पुलिस शामिल है। उग्रवादियों ने एसएलआर से फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादियों ने अपनी एक राइफल, 21 जिंदा कारतूस, 23 खोखा और एक पिट्ठू छोड़कर फरार हो गए। वहीं कई दैनिक सामान भी बरामद हुए हैं। फिलहाल जंगल में सर्च अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुढ़मू ठाकुर गांव के बीच कुछ हथियारबंद लोग दिखे, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन पुलिस को देखते फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक जिन तीन उग्रवादियों को गोली लगी है, उन्हें 4-5 किलोमीटर रेडियस पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आसपास के इलाके में ही घायल नक्सली छिपे हुए हैं।